हाय गाइस, दिस इज सरताज एंड यू आर वाचिंग द ताज स्टोरीज। आज की खबर है एमडीएच मसालों के बारे में, और एमडीएच के बारे में आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और एमडीएच वाले दादाजी को हम कैसे भूल सकते हैं। फिलहाल खबर यह है कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने यह क्लेम किया है कि एमडीएच मसालों के अंदर बहुत खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है। यह बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। एमडीएच मसालों का इस्तेमाल कर इंसान को लूज मोशन, फीवर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब इस खबर के पीछे दो वजहें हो सकती हैं। पहली तो यह कि बात सच भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैगी पर ऐसे इल्जाम लगे थे और वो साबित भी हो गए थे कि मैगी अंदर बहुत खतरनाक लेड बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और दूसरी वजह शायद इस खबर के पीछे यह भी हो सकती है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिकन मार्केट में एमडीएच, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, अपनी पकड़ बनाए, क्योंकि एमडीएच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया के अलावा भी कई सारे देशों में एमडीएच मसाले यूज होते हैं। सो अमेरिका की एक चाल हो सकती है कि ऐसा हम क्लेम कर देंगे तो शायद एमडीएच मसालों का यूज अमेरिकन बाजार में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने एक इंडियन ब्रांड को टारगेट किया था और वो है हल्दीराम। हल्दीराम के बारे में भी आप जानते ही होंगे, खाने पीने के मामले में इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अमेरिका ने कहा था कि हल्दीराम हाइजेनिक नहीं है, उससे ज्यादा हाइजेनिक हमारे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और डोमिनोज हैं, और ये अमेरिका में बैन किया जाना चाहिए। सो कहीं ना कहीं अमेरिका को डर भी हो सकता है कि इंडियन ब्रांड्स अमेरिका में अपनी पकड़ बना रहे हैं, तो ये वजहें हो सकती हैं। अब असली वजह क्या है, ये तो जब इंडियन फूड डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई खबर आएगी वही जानकारी हमें मिलेगी, उस पर हम यकीन करेंगे। सो ऐसी ही शॉर्ट न्यूज पाने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल द ताज स्टोरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर।